एससीओ समिट का हिस्सा बनने गए थे शहबाज शरीफ, गए थे सोचकर ये कि मोदी की तरह वाह वाही लूटेंगे, लेकिन बेइज्जती ऐसी हो गई कि आप देखेंगे तो क्या कहेंगे। पूरे पाकिस्तान में तो उनकी फजीहत है, दुनिया में भी मजाक उड़ रहा है। आज आपको दिखाएंगे फिर जो बोला उसके बाद तो जवाब और बुरे मिलने शुरू हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दिखाएंगे आपको वो तस्वीर भी कि मोदी कैसे खड़े रहे और दुनिया सलाम ठोकती चली गई। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। एससीओ समिट समरकंद में था, तमाम देश थे, चीन भी था, रशिया भी था, भारत भी था और पड़ोसी पाकिस्तान भी था। नजरें तो हर किसी की भारत पर थी। भारत इस तरीके से वहां पहुंचा, मोदी मोदी के नारे थे, स्वागत बड़ा शानदार था, लेकिन एक तस्वीर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आई उसे देखकर तो हर कोई हैरान था। जब इमरान खान थे कैसे उनकी बेइज्जती विदेशों में होती थी यह तो हमने आपको खूब दिखाया, लेकिन अब प्रधानमंत्री बदल गए लिहाजा सबने सोचा कि तस्वीर भी शायद बदल जाएगी। लेकिन तस्वीर पाकिस्तान की कभी बदलती नहीं है, बल्कि और ज्यादा खराब नजर आती है और ऐसा इस बार फिर से हुआ। सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए, ट्रांसलेटर टूल लगा रहे थे, कई कई बार लगाने की कोशिश की, वैसे भी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं लिहाजा अनुभव इतना होगा नहीं, लेकिन उनकी नौसिखिए टीम कैसे खड़ी तमाशा देख रही थी और पुतिन हंस रहे थे। यह तस्वीर कैसे पूरी दुनिया में आज चर्चा का विषय बनी है आप जरा देख लीजिए। देखा आपने कैसे थू थू हो रही है, लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो बड़ा सटीक बोले, बेबाक बोले और चीन और पाकिस्तान को गाहे बगाए सही, लेकिन जवाब तगड़ा दे दिया। सबसे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण जो आज पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बेबसी वाला बयान, आतंकियों वाला बयान, कैसे परेशानी में अब उलझे हैं और रास्ता नहीं है वो वाला बयान। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी क्या बोले जरा आप भी देखिए। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। देखा आपने, लेकिन शहबाज शरीफ कैसे बेबस नजर आ रहे थे। दुनिया में उनकी थू थू तो है ही, आज भी वो बता रहे थे कि आतंकियों से कितने ज्यादा परेशान हैं, बेबस हैं। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में जो हो रहा है, वहां की जनता जो बोल रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप उनका एक कुछ सेकंड्स का बयान जरूर सुनिए, जिससे आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भले ही बदल जाएं, लेकिन सूरत कभी पाकिस्तान की शायद नहीं बदलेगी। क्या जब हम किसी मित्र देश में जाते हैं, फोन करते हैं, तो वे सोचते हैं कि हम उनके पास पैसे मांगने आए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटी अर्थव्यवस्थाओं ने भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और हम पिछले 75 साल से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं। देखा आपने, पता चलता है कि बेबसी चेहरे पर नहीं पूरे देश में है, जनता में भी है और पीएम में भी है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, पुतिन के साथ वो तस्वीर तो आपने देखी, उसके बाद ये तस्वीर सामने आ गई जिसमें शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे नजर आए। वहां पर वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और लोगों ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए। अब सवाल भी तो यही है कि पुतिन तो रशियन भाषा में बोलते हैं, भला उनको समझ आएगा भी तो क्या। और इसीलिए शहबाज शरीफ का मजाक अब उड़ रहा है। आप देखिए और आगे आपको दिखाते हैं अब जनता क्या बोल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त लगातार अपने पीएम को ट्रोल कर रही है, लगातार उनका माखौल उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। आप देखिए पाकिस्तान की जनता आज किस तरीके से वहां पर बोलती नजर आई। लेकिन पाकिस्तान में आज तस्वीर तो भारत के प्रधानमंत्री की भी वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में किस तरीके से खड़े हुए थे,
उनकी ये तस्वीर नजर आ रही है। शी जिनपिंग उनके ठीक बगल में थे, तमाम दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल बीचों बीच यहां पर थे। और सबसे हैरानी की बात आज देश के अंदर यह भी हुई कि देश में ही विपक्षी पार्टियों ने जब पहली तस्वीर सामने आई तो उसका खूब मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बीचों बीच प्रधानमंत्री की यह तस्वीर देखने के बाद कई लोगों ने तो अपने ट्विटर हैंडल से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और चुपचाप बैठ गए। लेकिन सवाल तो यह है ही कि प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, और इससे पहले भी वो देखने को लगातार मिलती रही। हमने वो तस्वीर भी देखी जब जो बाइडन ने पीछे से प्रधानमंत्री मोदी को छुआ, बुलाया और हाथ मिलाया। किस तरीके से प्रधानमंत्री जब कनाडा के पीएम से मिल रहे थे तब जो बाइडन पीछे से आते हैं, उनको हाथ लगाते नजर आते हैं, और किस तरीके से भारत की छवि पूरी दुनिया में जाती है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए थे, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ठीक बगल में थे, हालांकि नजरें तो नहीं मिली, भले ही शी जिनपिंग हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मोदी पूरी तरीके से अपने फोटो पर ध्यान दे रहे थे और दुनिया में उनकी आज ये तस्वीर पूरी तरह से वायरल है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री की किस तरीके से तारीफ कर रही है, कैसे वो बोल रही है कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसे। देखिए जरा आप भी इस तस्वीर के साथ, आप देख सकते हैं कि तमाम देश खड़े हुए हैं और लगातार इस पर सवाल उठ रहा है कि आपको कितने पैसे चाहिए। कोई कह रहा $10, कोई कह रहा $100, कोई कह रहा दुखी ना हो शरीफ 50 मेरी तरफ से ले लो। तो इस तरीके से मानो ऐसी सूरत पाकिस्तान की बना दी कि ये एक भिकमंगा देश है। बिलाल खान जो पाकिस्तान के ही हैं वो कहते हैं इंग्लिश समझ नहीं आती इन्हें, रशिया का तो अल्लाह हाफिज है। फवाद खान कह रहे हैं जो पाकिस्तान के हैं इस तस्वीर को देखने के बाद और अपने प्रधानमंत्री के थूथू के बाद वो ये कह रहे हैं कि 5 मिनट चाइना के राष्ट्रपति से भी ले लिए होते और उनके साथ भी एक 5 मिनट का फोटो सेशन रख लिया होता, इतना क्यों शर्मा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर भी लगातार वायरल होती नजर आ रही है। इस तरह की तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही हैं जो बता रही हैं कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का हाल क्या है। और वाकई मैंने जैसे पहले कहा, तस्वीर बदलेंगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे, लेकिन तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं बदलेंगी। आप अपनी राय रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात चलती रहेगी लगातार बदस्तूर। नमस्कार।